हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो देखिए, आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं 30 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए तारीख रहेगा 30/7/24 के लिए। तो देखिए 30 तारीख के लिए भी गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखिए 30 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करने से पहले, गेम देखने से पहले थोड़ा सा गेम के रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा गेम के रिकॉर्ड्स को देख लेते हैं। और जो कि 29 तारीख के गेम में जोड़ी गेम में 94 का जोड़ी गेम बना था, इसमें भी क्या हुआ है इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस वीक में अभी मंडे जो कि 29 तारीख को देखिए क्या गेम बना है। 29 तारीख के गेम में 94 का जोड़ी गेम बना था, लेकिन 29 तारीख को देखिए मिस हो गया है, 29 तारीख को हमें गेम पास देखने को नहीं मिला है। तो देखिए एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि देखिए आप लोग उदास मत होइएगा, नाराज़ मत होइएगा इस बात को लेके, क्योंकि देखिए हफ्ते में देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इसमें से आप लोगों को पता है ही, अगर आप लोग रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को पता होगा ही कि किसी किसी हफ्ते में ऐसा हो जाता है लगातार गेम पास देखने के बाद कभी कभार एक दिन भी मिस हो जाता है, कभी कभार दो दिन भी मिस हो जाता है। तो यही आप लोग समझ लीजिएगा कि इस हफ्ते में पहला दिन ही ऐसा हो गया है, अभी बाकी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अभी बाकी है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को उदास नहीं होना है, नाराज़ नहीं होना है, ठीक है। और अभी आज के वीडियो पे हम 30 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे। तो देखिए 30 तारीख के लिए गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम लाइन देखेंगे। तो देखिए लाइन कहाँ से देखेंगे और कैसे देखेंगे, देखिए लाइन यहाँ पर 29 तारीख के गेम से यहाँ पर लाइन देखेंगे, जो कि 29 तारीख के गेम से देखिए ओपन पैनल से फर्स्ट लाइन देखेंगे, जोड़ी गेम से सेकंड लाइन देखेंगे और क्लोज पैनल से थर्ड लाइन देखेंगे, ठीक है। मतलब कि तीन लाइन देखेंगे तीन लाइन के हिसाब से यहाँ पर 30 तारीख के लिए गेम के बारे में बात करेंगे और गेम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 900 का अंक। उसके बाद सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 94 का जोड़ी गेम। उसके बाद थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। क्लोज पैनल पर यहाँ पर देखिए 167 का अंक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से देखेंगे, सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे और यहाँ पर देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट लाइन देखेंगे जो कि ओपन पैनल से, तो ओपन पैनल को यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए 900 का अंक। तो देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है जीरो का वैल्यू 10 की जगह पर 1, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 9 और 1 को जोड़ेंगे, 9 और 1 को जोड़ेंगे 10 का अंक बनेगा, 10 से 0 को लिखेंगे 1 रहने देंगे। उसके बाद 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 का अंक बनेगा, और 1 जो रह गया था उसको लेंगे फिर से 3 का अंक बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से 0 का वैल्यू 1, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 का अंक बनेगा, 1 और 3 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 का अंक बनेगा। तो देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए मैं 4 और 2 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। देखिए लाइन तो हो गया है फर्स्ट लाइन, लेकिन अभी हम इस लाइन को और एक बार चेक कर लेंगे कि लाइन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए लाइन को और एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन ओपन पैनल से, ओपन पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, 900 का अंक। तो देखिए जैसे कि आप लोगों को पता है 0 का वैल्यू 1, तो 9 और 1 को जोड़ा 10 का अंक बना, 10 से 0 को लिखा 1 रहने दिया। उसके बाद फिर से 1 और 1 को जोड़ा 2 का अंक बना, और 1 जो रह गया था उसको लिया फिर से 3 का अंक बना, ठीक है। उसके बाद फिर से 0 का वैल्यू 1, तो 1 और 3 को जोड़ा 4 का अंक बना, 1 और 3 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 का अंक बना है। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए मैं 4 और 2 का अंक देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए लाइन ठीक है, लाइन कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए मैं फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए
फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें फोर और टू कांग देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लाइन हो गया, तो अभी हम सेकंड लाइन देखेंगे। तो देखिए सेकंड लाइन जोड़ी गेम से देखेंगे, तो जोड़ी गेम को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए क्या था, जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 94 का जोड़ी गेम। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फिर से 9 और 4 को जोड़ेंगे, 9 और 4 को जोड़ेंगे 13 कांग बनेगा। उसके बाद फिर से 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 कांग बनेगा। 1 और 3 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 कांग बनेगा। तो देखिए सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें 4 और 2 कांग देखने को मिला है। देखिए सेकंड लाइन जोड़ी गेम में क्या था, जोड़ी गेम में यहाँ पर देखिए 94 का जोड़ी गेम। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने 9 और 4 को जोड़ा 13 कांग बना। उसके बाद फिर से 1 और 3 को जोड़ा 4 कांग बना। 1 और 3 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 कांग बना है। तो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें 4 और 2 कांग देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए लाइन ठीक है, तो अभी हम इसको भी कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमें सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 4 और 2 कांग देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए सेकंड लाइन भी हो गया है, तो अभी रह गया थर्ड लाइन। तो अभी हम थर्ड लाइन देखेंगे, तो देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से देखेंगे। तो क्लोज पैनल को भी यहाँ पर साइड में और एक बार लिख लेते हैं। क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए 167 कांग। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 और 6 को जोड़ेंगे, 1 और 6 को जोड़ेंगे 7 कांग बनेगा। उसके बाद 6 और 7 को जोड़ेंगे 13 कांग बनेगा। उसके बाद 7 और 1 को जोड़ेंगे 8 कांग बनेगा। 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 कांग बनेगा। उसके बाद फिर से 8 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 12 कांग बनेगा। उसके बाद फिर से 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 कांग बनेगा। 1 और 2 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 1 कांग बनेगा। तो देखिए थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 3 और 1 कांग देखने को मिला है। ठीक है, देखिए लाइन तो हो गया है थर्ड लाइन, लेकिन अभी हम इस लाइन को भी और एक बार चेक कर लेंगे कि लाइन कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इस लाइन को भी और एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए थर्ड लाइन क्लोज पैनल से, क्लोज पैनल पे यहाँ पर देखिए क्या था, 167 कांग। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने 1 और 6 को जोड़ा 7 कांग बना। उसके बाद 6 और 7 को जोड़ा 13 कांग बना। उसके बाद 7 और 1 को जोड़ा 8 कांग बना। 1 और 3 को जोड़ा 4 कांग बना। उसके बाद फिर से 8 और 4 को जोड़ा 12 कांग बना। उसके बाद फिर से 1 और 2 को जोड़ा 3 कांग बना। 1 और 2 को फिर से माइनस किया तो यहाँ पर देखिए फिर से 1 कांग बना है। तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 3 और 1 कांग देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए लाइन ठीक है, लाइन कहीं पर मिस्टेक नहीं हुआ है। तो अभी हम इसको भी कट करके अच्छे से साइड में क्लियर करके लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमें थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए, थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 3 और 1 कांग देखने को मिला है। ठीक है, तो अभी देखिए तीनों लाइन हो गया है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन। तो अभी हम देख लेते हैं कि कौन से लाइन से क्या क्या अंक देखने को मिला। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें 4 और 2 कांग देखने को मिला है। उसके बाद सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए 4 और 2 कांग देखने को मिला है। और थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए 3 और 1 कांग देखने को मिला है। ठीक है, तो अभी देखिए जो हमें यहाँ पर ये तीनों लाइन देखने को मिला है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, देखिए ये तीनों लाइन अभी भी पहला लाइन हुआ है। ठीक है, मतलब कि अभी हम इन तीनों लाइन से और एक करके लाइन करेंगे, उसके बाद जो अंक निकलेगा, उसके बाद जो अंक देखने को मिलेगा वो होगा फाइनल गेम के लिए अंक, वो जाएगा फाइनल गेम में। ठीक है, तो अभी हम इन तीनों लाइन से और एक करके लाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से यहाँ पर देखिए हमें 4 और 2 कांग देखने को मिला था। तो देखिए 4 और 2 को फिर से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 4 और 2 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 कांग बनेगा। तो फर्स्ट लाइन में यहाँ पर देखिए 2 कांग। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से भी यहाँ पर देखिए हमें 4 और 2 कांग देखने को मिला था। तो देखिए 4 और 2 को फिर से माइनस कर देंगे, 4 और 2 को फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 कांग बनेगा। लेकिन देखिए हमें फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से ऑलरेडी पहले से 2 कांग देखने को मिला है, तो इसलिए जो सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से 2 कांग देखने को मिला है, इस 2 कांग को हम नहीं देखेंगे, 2 के फैमिली को देखेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए 2 का फैमिली 7 कांग, क्योंकि हमें ऑलरेडी पहले से फर्स्ट लाइन में 2 कांग देखने को मिला इसीलिए। ठीक है, तो सेकंड लाइन में यहाँ पर देखिए 7 कांग। उसके बाद देखिए थर्ड लाइन में, थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से भी यहाँ पर देखिए हमें 3 और 1 कांग देखने को मिला था। तो देखिए 3 और 1 को फिर से जोड़ देंगे, 3 और 1 को फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से 4 कांग बनेगा। तो थर्ड लाइन में यहाँ पर देखिए 4 कांग। ठीक है,
तो अभी देखिए हमें तीन लाइन के हिसाब से तीन अंक देखने को मिला है। देखिए क्या क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में टू कांग, सेकेंड लाइन में सेवन कांग और थर्ड लाइन में फोर कांग, ठीक है। तो देखिए तीन लाइन के हिसाब से तीन अंक देखने को मिला है, लेकिन अभी भी हमें और एक अंक चाहिए क्योंकि हमें चार अंक चाहिए। तो और एक अंक चाहिए तो और एक अंक में हम क्या अंक देखेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में ओपन पैनल से टू कांग देखने को मिला है और टू का फैमिली सेकंड लाइन में जोड़ी गेम से सेवन कांग देखने को मिला है, तो थर्ड लाइन में क्लोज पैनल से फोर कांग देखने को मिला है, तो फोर के फैमिली को हम और एक अंक में देखेंगे जो कि यहाँ पर देखिए फोर का फैमिली नाइन कांग, ठीक है, इसको हम और एक अंक में देखेंगे। तो अभी देखिए चार अंक निकल गया है तो इसका मतलब लाइन पूरा हो गया है। तो अभी हम इन सबको कट कर देते हैं, क्लियर कर लेते हैं और गेम में देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग ओडिसी में कौन सा जाएगा और नॉर्मल ओडिसी में कौन सा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी में यहाँ पर देखिए टू और सेवन कांग जाएगा और नॉर्मल ओडिसी में यहाँ पर देखिए फोर और नाइन कांग जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग ओडिसी में क्या देखने को मिला। देखिए स्ट्रॉन्ग ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए टू और सेवन कांग देखने को मिला और नॉर्मल ओडिसी गेम में यहाँ पर देखिए फोर और नाइन कांग देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए ओटीसी का तो हो गया है, तो अभी मैं आप लोगों को साथ में कुछ जोड़ी भी दिखाऊंगा। तो जोड़ी में यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए होगा तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए होगा सबसे पहले यहाँ पर होगा 25 का जोड़ी, उसके बाद होगा 24 का जोड़ी, उसके बाद होगा 75 का जोड़ी और होगा 74 का जोड़ी, उसके बाद होगा 45 का जोड़ी, उसके बाद होगा 44 का जोड़ी, उसके बाद होगा 95 का जोड़ी और होगा 94 का जोड़ी, ठीक है। ये कुछ जोड़ी देखने को मिला है, देख लीजिए आप लोग जोड़ी में क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 25 का जोड़ी, 24 का जोड़ी, 75 का जोड़ी, 74 का जोड़ी, 45 का जोड़ी, 44 का जोड़ी, 95 का जोड़ी और 94 का जोड़ी, ठीक है। ये कुछ जोड़ी देखने को मिला है। और देखिए आप लोग जोड़ी को नॉर्मली करके ही देखिएगा, ज़्यादा स्ट्रांगली मत देखिएगा, ठीक है। और ओटीसी में यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग ओटीसी गेम में यहाँ पर देखिए टू और सेवन कांग देखने को मिला है और नॉर्मल ओटीसी गेम में यहाँ पर देखिए फोर और नाइन कांग देखने को मिला है, ठीक है। तो देखिए गेम देखने को मिल गया जो कि यहाँ पर 30 तारीख के लिए कल्याण के लिए गेम के बारे में है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है सर नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।